वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीनरी। आज हम एक मिनी पैलोरियम बनाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि पैलोरियम क्या होता है, तो ये एक अंडर वाटर टेरेरियम होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए आपको पहले क्ले बॉल की एक थिन लेयर बिछानी है। ये देखिए इस तरह से। उसके ऊपर आप कोई भी तरह के सैंड या फिर पाउडर स्टोन यूज कर सकते हैं। और आपको इसको इक्वली स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको एक प्लास्टिक बैग लेना है और इसके ऊपर रखना है और इसमें आधे लेवल तक वाटर भर देना है ताकि हम हमारे एक्वाटिक प्लांट्स लगा पाए। देखिए आधा पानी भर चुका है। अभी ये बैग को आपको वापस निकालना है और रख लेना है और इसको एक और एक बार अच्छी तरीके से लेवल कर देना है। ये देखिए ये हो गया है अच्छी तरीके से लेवल। इसमें मैं एक कोरल का पीस भी रखने वाला हूँ। ये देखिए और मैं एक एक्वाटिक प्लांट भी लाया हूँ मार्केट से, इसको भी लगाऊंगा। और मैं इसके बाजू से दो तीन स्टोन्स रख दूंगा।
देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे सामने भी एक छोटा वाला पेड़ लगाने वाला हूँ। उसके लिए मैंने ये तीन पत्थर लिए और उनके बीच में एक गैप बनाया है जिसमें मैं उसके रूट्स को डाल सकूं। ये देखिए वो पेड़। देखिए हमारा दूसरा पेड़ भी लग चुका है। अभी पॉलिथीन को ऐसे रख के वापस पानी भरना है। और अभी मैं इसमें गप्पी फिश ऐड करने वाला हूँ। मैं गप्पी फिश इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वास को खा जाते हैं, तो मुझे मॉस्किटो के लार्वा की भी टेंशन नहीं होगी। और इसमें और थोड़ा सा पानी भर देना है। ये पानी मेरे घर की टंकी का है जो बहुत दिनों से उसके अंदर रखा था ताकि वो डीक्लोरिनेट हो जाए। वही पानी को मैं अपने सारे पेड़ों को देता हूँ और इसमें भी दिया हूँ ताकि फिशेस सेफ रहे। अरे अन्ना, तुमने तो पैलीडेरियम बड़ा सुंदर बनाया है। नहीं, उनको परेशान नहीं करवा दो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनमें प्लांट्स लगाया है। प्लांट्स को लाइट की जरूरत होती है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मेरे पास ग्रो लाइट अवेलेबल है तो मैं उसका यूज करता हूँ। अगर आपके पास ग्रो लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं।